मेरे पास आया हुआ है जुपिटर BS6, जिसको बोला जाता है 6G। आज मैं इसमें आपको ये बताने जा रहा हूँ, कभी आपको जैसे मीटर का कुछ करना है, या आपको जैसे मीटर फायरिंग डालना है, या हेडलाइट जो होता है इसका फायरिंग चेंज करना है, या ये चेंज करना है, या ये चेंज करना है, या आपको ब्रेक स्विच चेंज करना है, या आपको योक योक किसको बोला जाता है, इसको अंदर जो लगा रहता है उसको योक बोला जाता है, योक चेंज करना है, और भी समझ लो इसके अंदर कुछ काम करना है, तो आप बहुत इजी से हमारा वीडियो देख के इसको ओपन करने का तरीका बताने जाओ, इसको कैसे खोला जाए। और जैसे एक खोलने का अगर नया बंदा कोई है तो खोल नहीं सकता है, खोलने ट्राई करेंगे तो हो सकता है कहीं टूट भी जाए, तो हमारे वीडियो थ्रू से बहुत इजी से टूटने का टेंशन टूटने का कोई डर नहीं रहेगा, बहुत इजी से खोल ओपन कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ ओपन करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ साथ में चाहिए आपको। एक स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ता है, ये हमारा स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर है, एक स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर, और एक आपको 14 का पाना जो होता है मिरर खोलने के लिए, आईना खोलने के लिए, और एक 10 का टी पाना लो, या बॉक्स पाना, या गुटका भी बोलते हो उसका बॉक्स पाने को। तो ये तीन चीज़ आपको कंपलसरी चाहिए। अब इसको ओपन करने के तरीका बताने जा रहा हूँ मैं, कैसे उसको ओपन किया जाए। सबसे पहले एक यहाँ बोल्ट आता है 10 नंबर का, हमने ओपन किए हुए हैं, बता रहा हूँ। एक इधर आता है और इधर एक स्क्रू आता है 4 मुँह का स्टार वाला, और एक इधर भी आता है, जैसे यहाँ बताया हूँ ऐसे इधर भी आता है, यहाँ आपको तीन ही दिखेगा। अब ये तीन ओपन करने के बाद आप खींचोगे तो हो सकता है टूट भी जाए, आपको कहीं यहाँ से कहीं इधर देख लीजिए, इधर स्क्रू कहीं भी स्क्रू इधर इधर या राइट लेफ्ट में कहीं स्क्रू दिखेगा नहीं, स्क्रू रहता है इसके अंदर। इसको सबसे पहले आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा, ये देखिए स्क्रू ड्राइवर लेके इसको हल्का से थोड़ा पुश करके निकालना पड़ता है, पुश मतलब कैसे दबाना पड़ता है, ऐसे यहाँ लॉक लगा हुआ रहता है इधर, तो लॉक बहुत इजी से निकालना है, टूट जाएगा देख लीजिए। ये ओपन करने के बाद अब स्क्रू आता है, कहाँ स्क्रू आता है आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, यहाँ दो स्क्रू आता है वो भी स्टार वाला 4 मुँह वाला, इसको ओपन करने के बाद स्क्रू ओपन करने के बाद इसको आपको हल्का से जैसे खींचना है, ये देखिए अभी लॉक है, ये देखिए स्क्रू ड्राइवर हल्का से यहाँ से थोड़ा हल्का से कटाओगे इसे थोड़ा से तो ये बाहर आ जाता है, देखिए बहुत इजी से बाहर आ गया। ये बाहर आने के बाद आप सोचोगे तभी भी ये आपको हेडलाइट नहीं ओपन होगा, तो हेडलाइट ओपन करने के लिए आपको यहाँ एक 10 नंबर का बोल्ट और एक यहाँ 10 नंबर का बोल्ट ये लगा हुआ रहता है। अब इसको ओपन निकालने के लिए आपको दोनों आईना जिसको मिरर बोलते हैं वो मिरर ओपन करना पड़ेगा, ये वाला, ये हमने अभी टाइट रखा हुआ है, ढीला भी नहीं है, तो इसको हम ओपन करते, ये राइट साइड का जो मिरर होता है जो आईना जिसको बोला जाता है ये उल्टा खुलता है, जब इसको आप टाइट करोगे तो खुलता है, क्योंकि इसका जो थ्रेड होता है जो चूड़ी होता है वो अलग रहता है थोड़ा, आपको भी ओपन करके दिखा दे रहा हूँ एक बार मैं इसको, और एक सीधा रहता है राइट वाला उल्टा चूड़ी रहता है उल्टा थ्रेड रहता है, ये देख लीजिए ये वाला, ये आप जब खोलोगे तो टाइट होगा, जब टाइट करोगे तो खुलेगा, ये तरीका ये है राइट साइड वाला। अब हमने मिरर दोनों खोल लिए, दोनों मिरर खोलने के बाद थोड़ा इसको लॉक लगा हुआ रहता है, इजी से इसको खींचना चाहिए, ये देखो लॉक यहाँ लगा हुआ रहता है, लॉक रहता है इधर, ये देखिए यहाँ एक लगा हुआ रहता है लॉक, समझ लो यहाँ से एक टूट गया होगा पहले से, तो इसको ये देखिए ये जो सॉकेट होता है ये सॉकेट निकालना चाहिए, निकाल के आपको हेडलाइट बाहर नहीं आए, देखो इसमें यहाँ अटका हुआ है देख लीजिए इसमें, तो इसको इस तरफ ले लेना चाहिए, तो आपको यहाँ से कुछ भी काम कर सकते हो, जैसे आपको ब्रेक स्विच है जैसे जो होता है इसमें, आप वो बगैर ओपन किए आप नहीं खोल सकते हो, इसलिए ओपन करना पड़ता है। अगर आपको हमारे जानकारी अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल का घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा। हमने ये गाड़ी किस लिए ओपन किए हुए है एक वीडियो और डालूँगा, जैसे एक वीडियो और
आएगा तो आप उसमें देख सकते हो, उसमें मैंने ये हेडलाइट का फायरिंग पूरा क्यों ओपन किए हुए थे।